एक तमसिन बच्ची थी जी, कोई 7-8 साल की, नामालूम डेड बॉडी मिली थी। फैक्ट्री काम कर रही थे बच्ची, रोज फिर ना करो तो उठ जाती सी, उन्होंने फर के लिया सी, वो 3-4 दिन 5 दिन रहती सी, वो फिर दौड़ जाती सी। ये गदागरी करवाते थे, बच्ची को छोटी छोटी बातों पे मारा पीटा जाता था। सवालात ऐसे भी होते हैं जिनके जवाबात इंतहाई मुश्किल से मिलते हैं। इनमें एक सवाल ये भी है कि हमारे मुल्क के शहरों और देहातों में पैदा होने वाले बच्चे इतने गैर महफूज क्यों हैं? नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे ही आखिर क्यों बेरहम हाथों का शिकार बन जाते हैं? जाती झगड़ों और खानदानी अदावतों के बाद बड़ों से दुश्मनी मोल लेने की बजाय छोटे छोटे बच्चों को गोलियों का निशाना क्यों बनाया जाता है? बेरहम माएँ अपने बच्चों को गोद में उठाकर नहरों और दरियाओं में क्यों कूद जाती हैं? तावान के लिए अगवा किए जाने वाले बच्चों को तावान मिलने के बाद भी बेदर्दी से कत्ल क्यों कर दिया जाता है? बेशक गुर्बत की वजह से बहुत सारे वालदैन अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते हैं और ज़िंदगी से फरार हासिल करते हुए अपने बच्चों को भी मौत की अंधेरों में फेंक देते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि हमारी हुकूमत बच्चों की तालीम, सेहत और खेलकूद के लिए कितना बजट मुख्तस करती है, उन्हें छोटी उम्र में मेहनत मजदूरी से बचाने के लिए कितनी तवज्जो देती है और उन बेरहम हाथों को रोकने के लिए क्या इकदाम करती है जो कम उम्र बच्चों को कीड़ों मकोड़ों की तरह मसल कर रख देते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत और इत्तेफाक से ही कायम रहता है, मगर लड़ाई झगड़ा और नफरत उससे कच्चे धागे की तरह तोड़ देता है। ऐसे में अगर दोनों की औलाद हो तो अलहदगी का खमियाजा सबसे ज़्यादा उन्हें ही भुगतना पड़ता है, इसलिए कि उन्हें माँ या बाप में से किसी एक के साथ ही रहना पड़ता है। लेकिन उन पर सौतेले रिश्ते मुसल्लत कर दिए जाएं तो उनकी ज़िंदगी दाव पर लग जाती है। लाहौर में चंद माह कबल कूड़े के ढेर से मिलने वाली 7 साल बच्ची की लाश का मुअम्मा पुलिस हल करने में कामयाब हो गई। आइए जानते हैं सौतेले रिश्ते और लालच जब आपस में मिलते हैं तो कैसे कैसे अफसोसनाक वाकयात जन्म लेते हैं। जून में लाहौर की नवाही आबादी शादरा के इलाके प्लाट नंबर 25 के करीब कूड़े क्रिकेट से कागज चुनने वाले बच्चों ने शापर बैग में लिपटी 7 साल बच्ची की लाश पड़ी देखकर शोर मचा दिया, जिस पर लोग जमा हो गए और पुलिस को इत्तला कर दी गई। शादरा पुलिस स्टेशन की हदूद में हमारा ये जून के महीने में एक कमसिन बच्ची थी जी, कोई 7-8 साल की, नामालूम डेड बॉडी मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात थे और किसी ने उसे हलाक करने के बाद शापर बैग में डालकर कूड़े के ढेर पर फेंक दिया था। पुलिस ने बच्ची की शिनाख्त के लिए इर्द गिर्द के इलाकों में ऐलानात करवाए, मगर बच्ची की शिनाख्त ना हो सकी। वो शी वाज ब्रूटली टॉर्चर्ड, उसके जिस्म पे मैंने खुद देखा था, एक भी कोई हिस्सा नहीं था जिसपे कोई टॉर्चर मार्क ना हो, और वो बेसिकली बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया कि वो बार बार ब्रूटल टॉर्चर की वजह से उसकी डेथ हुई थी। मासूम बच्ची को किसने कत्ल किया और वो किस घराने की आंखों का तारा थी, क्या पुलिस ये बात मालूम कर सकी? एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी डिवीजन सैयद करार शाह के मुताबिक उन्होंने इस संदेह कत्ल की तफ्तीश के लिए खसूसी टीम तश्कील दी। इस टीम ने बच्ची की शिनाख्त के लिए गली मोहल्लों में जाकर पूछताछ की तो बच्ची की शिनाख्त हो गई। बच्ची बेगम कोट शादरा के रहायशी सैयद की बेटी मुकद्दस थी, मगर जब पुलिस उसके घर पहुंची तो वहां ताला लगा था। मोहल्लेदारों से मालूम हुआ कि वो चंद माह कबल खामोशी से ताले लगा कर चले गए थे। बाद में उसका नाम मालूम हुआ, उसके एंटीसिडेंट्स का पता चला। पुलिस को मोहल्लेदारों से पूछताछ के बाद मालूम हुआ कि सईद ने नायला नामी खातून से दूसरी शादी की थी और मुकद्दस समेत दीगर दो बेटे पहली बीवी से हैं। सईद बच्चों से भीख मंगवाता था और अक्सर वो और उसकी बीवी नायला बच्चों को तशद्दुद का निशाना भी बनाते थे। पुलिस को इससे शुबा हुआ कि कहीं मुकद्दस को उसके वालदैन ने ही तो कत्ल नहीं किया। कॉज ऑफ मर्डर मैंने आपको कहा कि ये बेसिकली एक गरीब घराना था,
इसके बच्ची की अपनी वालदा, उसकी तो काफ़ी साल पहले डेथ हो चुकी थी। इसका जो वाला, इसका बाप जो है सईद, और उसकी सौतेली माँ नाइला, ये अपने बच्चों से इंक्लूडिंग दिस गर्ल, ये इनसे बेगिंग करवाते थे यहाँ दाता दरबार और दूसरे इलाके में, ये गदागरी करवाते थे। बच्ची को छोटी छोटी बातों पे मारा पीटा जाता था, बार बार टॉर्चर किया जाता था जी। बच्ची के इवन इन लोगों ने सर के बाल भी मुंडे हुए थे, बड़े बड़े ही बारबैरिक कंडीशंस में रखा हुआ था, जिसम पे बहुत सारे टॉर्चर मार्क्स थे। क्या मुकद्दस के वालदैन गिरफ्तार हो सके, और क्या उन्होंने ही मुकद्दस को कत्ल किया था? ये भी जानते हैं कि लालच जब बढ़ती है तो हवस में तब्दील होने के बाद लोग इंसानियत को क्यों भूल जाते हैं। पुलिस ने फरार होने वाले सईद और उसकी बीवी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने सईद के मोबाइल फोन का डाटा निकलवाया तो मालूम हुआ कि सईद बच्ची की लाश मिलने के दो दिन बाद ही कराची शिफ्ट हो चुका था। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करते हुए कराची से सईद और नाइला को हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान जो है वो बदकिस्मती से उसी बच्ची का वालिद और उसकी सौतेली माँ, ये दोनों निकले हैं, और इन दोनों को बड़ी तगोदो और मुश्किलों के बाद कराची से जाके हम लोगों ने केस करके पकड़ा है जी। पुलिस हुकाम के मुताबिक जब लाहौर लाकर उनसे तफ्तीश की गई तो उन्होंने मुकद्दस के कत्ल का इतराफ करते हुए बताया कि मुकद्दस बगैर बताए घर से चली जाती थी, जिस पर उसे मारा पीटा तो वो मर गई, और पकड़े जाने के डर से उन्होंने उसे शॉपर बैग में डालकर कूड़े के ढेर पर फेंक दिया और खुद कराची फरार हो गए थे। चार पाँच मरतबा वो घर से भागी, जब पकड़ के लाए, मारने के चक्कर में नहीं थे, लेकिन उसको मारा, मारा गुस्से में आके, लेकिन वो थापा लग गया सर में, उसकी वजह से उसकी चार पाँच दिन बाद डेथ हो गई। ये वही बात है जी, इट्स कॉज जो है वो वही कल्चर ऑफ पावर्टी है, एब्जेक्ट पावर्टी है और सोतेलापन है। बेटी को हलाक करने वाले सगे बाप और सौतेली माँ का क्या कहना है, आइए उनसे ही जानते हैं। पुलिस हिरासत में मुलजमान ने बताया कि उन्होंने बच्ची को थोड़ा ही मारा था, शायद चोट गहरी लग गई जिससे वो मर गई, उनका मकसद उसे मारना नहीं था। मैं छापरा का काम करना था, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਰੋਜ਼ ਫਿਰ ਨਾ ਘਰੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਈਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪੰਜ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਘਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਦੌੜ ਗਈ, ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਥਾਪੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆਪ? ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਗਏ ਸਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਦਰਸੇ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਪਈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਡੰਡੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान से तफ्तीश जारी है, जल्दी चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। मकतूला के मोहल्लेदारों का कहना है कि ऐसे वालदैन को इबरतनाक सजा दी जाए। कैमरामैन साद नवीद के साथ आमिर शहजाद, समा लाहौर। क्राइम सीन में बच्चों पर होने वाले जुल्म तशद्दुद के बारे में जब हम बात करते हैं तो दिल खून के आंसू रोता है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब हमें किसी ना किसी बेबस बच्चे के अगवा, उस पर तशद्दुद या कत्ल की खबर ना मिलती हो। दुख की बात तो ये है कि कई माँ बाप ही अपने बच्चों के दुश्मन निकलते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची के बैंकों से लूटा जाने वाला पैसा शायद पाकिस्तान के दूसरे तमाम शहरों से लूटी जाने वाली रकम से कहीं ज्यादा होगा। सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजामात के बावजूद इस सनती शहर में माजी के दौरान कई बड़ी बड़ी बैंक डकैतियों में करोड़ों रुपए लूट लिए गए, और ये सिलसिला आज भी जारी है। इन डकैतियों में कई ग्रुप्स मुलाबिस हैं, जिनमें पुलिस ने ऐसे दो मुलजिमान को गिरफ्तार किया है जिनकी लूट मार का तरीका
दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। कराची में मौजूद जराइम पेशा अफराद ने वारदातें करने के लिए कई तरीके इख्तियार कर रखे हैं। इस शहर में तो डकैतियों के लिए असलहे से लेकर मोटरसाइकिलें किराए पर और वारदातें करने के लिए डकैत भी किराए पर और दिहाड़ी पर मिल जाते हैं। शहर कायद में पुलिस ने ऐसे डकैत गैंग के कारिंदों को गिरफ्तार किया जो किराए पर गाड़ी लेकर लूटमार की वारदातें किया करता था। कराची के जिला मलिर के शाह लतीफ टाउन थाने की पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कायदाबाद मुर्गी खाना स्टाफ के करीब कार्रवाई करते हुए दो मुलजमान मोहम्मद पनाह और अली नवाज को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असलहा, लूटी गई 1,00,000 रुपए की रकम और करोला कार बरामद कर ली। SHO शाह लतीफ टाउन अमानुल्ला मरवत के मुताबिक मुलजमान को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो बैंक के बाहर किसी को लूटने की तैयारी कर रहे थे और मुलजमान 3 महीनों से इस इलाके में वारदातें कर रहे थे। 3 महीने से जो है ये हमारे इलाके में बहुत एक्टिव है और यहाँ पे सिंधी मुस्लिम बैंक है उसके अंदर ये इन्होंने एक वारदात की जिसमें ये रेकी कर रहा था और जैसे ही वो बाबा बाहर निकला है तो उसके पीछे ये निकले हैं, मुर्गी खाना स्टाफ के ऊपर जो है उसको लूटा है। उससे 85,000 रुपये थे जो बैंक से निकाले और वो जो है इससे छीन लिए। एक कार और ये 4 लड़कों पे मुश्तमिल ग्रुप है। एक कार इसमें इस्तेमाल करते हैं बेटा गरबा है, एक 125 मोटरसाइकिल है जो बिल्कुल घर पे पहुंचने के बाद जब आदमी ऑफिस सुकून में पहुंच जाता है कि मैं इजी बिल्कुल अपनी जगह पहुंच गया हूं तो वहां पे ये लूट मार करते हैं, उसे लूट लेते हैं, पैसे कैश लूट लेते हैं। और इनसे करोला कार भी ली है, TT पिस्टल मिला है और मुदई के जो है वो मोहम्मद उबैर मुदई है उसके 1,00,000 रुपये रिकवरी हुई है इनसे। मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को कई अहम इंकशाफात हुए इसलिए कि मुलजिम इश्तिहारी होने के साथ कई संगीन वारदातों में भी मुलव्वस निकला। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दौरान तफ्तीश पुलिस को मालूम हुआ है कि मुलजिमान अपने साथियों के साथ बैंक से रकम लेकर निकलने वाले अफराद को रेकी करने के बाद लूट लिया करते थे और इस दौरान बैंक के अंदर मौजूद मुलजिमान का एक साथी भारी रकम लेकर निकलने वाले अफराद की निशानदेही किया करता था जिसके बाद उसके साथी बैंक के बाहर किसी भी जगह पर मौका पाकर उस शख्स को लूट लिया करते थे। मोहम्मद पन्ना जो है ये बैंक में जाता था कि 1,000 रुपये का खुला करवाना है या मैंने अकाउंट खुलवाना है तो उधर टाइम जाया करता था अपना वक्त और देखता था कि कैश कौन सा ज़्यादा बंदा लेके जा रहा है। जब इसको समझ आता था कि कैश ये बंदा ज़्यादा लेके जा रहा है, इसने 7,00,000 रुपये भी इन्होंने बैंक में एक बंदा दौरान लोकेशन बताया कि बैंक में जैसे ही मैं गया तो 7,00,000 रुपये लेके निकला है। उसके बाद मैं बाहर निकला हूँ करोला कार और 125 की मदद से हमने जो है उनसे वो 7,00,000 रुपये छीने। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद पनाह की तस्वीर बैंक की CCTV फुटेज से हासिल की गई जिसके बाद मुलजिमान की तलाश शुरू की गई। मुलजिमान का ग्रोह 6 अफराद पर मुश्तमिल है और इस ग्रुप का सरगना दिहाड़ी पर डकैतों को अपने साथ रखा करता था। ये महीने से पहले एक वारदात इन्होंने की थी जिसमें ये CCTV कैमरे में आया था तो उस पर हमने एक टीम बनाई जिसमें चौकी इंचार्ज खुल्दाबाद और एडमिरल जो है आसिफ हमारा इन पर एक मुश्तमिल टीम बनाई तो इन तमाम बैंकों पर ये रेखी करते थे हम लोग बालिबाज सादा और जैसे ही ये मुलजिम हमें नज़र आए तो हमने जो है इनको गिरफ्तार किया। 2 मुलजिमान उसमें गिरफ्तार हुए हैं और इन्होंने दौरान इंटरोगेशन जो है 6-7 वारदातों का इंकशाफ किया है। पुलिस ऑफिसर के दावे के बरक्स एक मुलजिम खुद को शरीफ जाहिर करता रहा और दूसरा कुछ बताने को तैयार ही नहीं था लेकिन कुछ देर बाद हालात बिल्कुल मुख्तलिफ। शाह लतीफ टाउन पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद पना पहले तो क्राइम सीन की टीम को कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था लेकिन जब उस पर सवालों की बौछार की गई तो अपने जुर्म का एतराफ करने पर मजबूर हो गया। नहीं सर, पहले मैं नहीं करता था, मैं गया था, इस बार ये मसला हुआ है मेरे साथ। अगर आप पकड़े गए हो जी सर तो कोई ना कोई वारदात करते हुए पकड़े गए होगे या पुलिस ने आपको वैसे ही पकड़ लिया? जी सर। क्या क्या सर? सर बैंक में मैं गया था रेकी करने के लिए। जी सर। किसी की रेकी करने के लिए आप गए थे? जी सर। मुलजिम के साथ पकड़े जाने वाले उसके साथी ने तो कुछ और ही कहानी सुनाई, उसका क्या कहना था ये भी सुन लें। सुबह को इसने बोला मेरे को कराची में से बंदे से पैसे लेने कायदाबाद से, मेरे साथ चल उधर से घूम के सुपर हाईवे से चलेंगे। मैंने बोला चलो कोई मसला नहीं है, पेट्रोल तुम ज़्यादा खर्च होगा वो डलवाना। इसने बोला मेरे को जैसे पैसे मिलेंगे मैं आपको पेट्रोल के पैसे दे दूँगा। उधर 10-15 मिनट बंदे को इसने फ़ोन किया, नज़ीर नाम का बंदा था, उसने फ़ोन किया इसको, उसने बोला 10-15 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ बाइक पर। जैसे 10-15 मिनट खड़े हुए पुलिस आ गई पकड़ के ले गई, बोला ये डाकू है।
आप भी डाकू। मैंने बोला सर मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, मैं डाकू वाकू नहीं हूँ। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के दौरान अब किराए की गाड़ियाँ भी इस्तेमाल होने लगी हैं। शालतीव टाउन थाने में खड़ी ये गाड़ी भी एक स्ट्रीट क्राइम की वारदात के दौरान इस्तेमाल की गई थी, जिसे गिरोह के सरगना ने किराए पर हासिल किया और बैंक से निकलने वाले अफराद को लूटने में अपने साथियों के साथ इसको इस्तेमाल किया। आज इसका मुलजिम अपने साथियों समेत गिरफ्तार है और ये गाड़ी थाने में बंद है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान किराए पर गाड़ियाँ हासिल करते थे और फिर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दिनों के वक्फे से लूटमार की वारदातें करते थे ताकि वो पुलिस की पकड़ में ना आ सकें। ये मोहम्मद पन्ना जो है ये तकरीबन 10 केसों में चालान हो चुका है और ये आदि मुजरिम है और ये स्ट्रीट क्रिमिनल की वारदातें और बैंकों का ये माहिर है। मोहम्मद पन्ना जो है ये माहिर है इस काम का और काफ़ी वारदातें इसने की हैं। 10 केसों में पहले चालान हो चुका है जिससे कोर्ट से मकदूर और इश्तियारी है और इसको हमने गिरफ्तारी की और ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। इंशाल्लाह ये यहाँ जो सिंधी स्पीकिंग जो ग्रुप है वो उसको ये लीड करता था मोहम्मद पन्ना को, शिकारपुर से लोग लाता था और ये यहाँ से वारदातें करके शिकारपुर चले जाते थे। बड़ी कोई वारदात करते थे तो यहाँ से निकल जाते थे, महीना गुजार के 15-20 दिन गुजार के फिर वापस आते थे अपने ग्रुप के साथ और ये वारदातें करते। शालतीव टाउन पुलिस ग्रुप के दीगर कारिंदों को भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। ऐसे मुलजमान की गिरफ्तारी से शहरी यकीनन सुकून का सांस लेंगे। कैमरामैन इरफान तिरमिजी के साथ सालिक शाह, समा कराची। कराची के बैंकों में होने वाली कई डकैतियों के बावजूद पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार ना कर सकती थी। इनमें कई ऐसे गिरोह भी शामिल थे जिनका ताल्लुक बड़े बड़े जराइम पेशा गिरोहों से था और वो दूसरे शहरों में मुकीम थे। ताहम माजी में होने वाले जराइम से जुड़े बहुत सारे मुलजिमान का गिरफ्तार होना पुलिस की कारकर्दगी का अच्छा नमूना करार दिया जा सकता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है csfsama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं और हमसे राब्ता भी कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।